और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो समय चाहे मैं पक्ष में रहूं चाहे मैं बाहर रहूं, लेकिन ये लड़ाई राजस्थान में राजनीतिक घमासान लगातार जारी है। जिस तरीके से पिछला घटनाक्रम राजस्थान में घटा, मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, उसके बाद में एक बार फिर पायलट समर्थक राजेंद्र गुड्डा ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान जल्दी से जल्दी बैठक बुलाए विधायक दल की और हाईकमान जल्दी से फैसला ले। उन्होंने कहा कि हमारे संगठन मंत्री वेणुगोपाल ने यह कहा था कि हम जल्द बैठक बुलाकर इसके ऊपर जल्द फैसला करेंगे, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और राजेंद्र राठौड़ को बर्खास्त करने की मांग भी राजेंद्र गुड्डा ने की है। राजेंद्र गुड्डा लगातार अपने बेबाक बयानों से जाने जाते हैं और वो जब ये बगावती तेवर दिखाए थे अशोक गहलोत गुट ने, तब भी वो खुलकर सामने आए थे और उन्होंने साफ मीडिया में आकर कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आपको वो घटनाक्रम भी याद दिला दें जब दिल्ली से पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन राजस्थान आए थे विधायक दल की बैठक लेकर ये निर्णय करने के लिए कि कौन आने वाला राजस्थान में मुख्यमंत्री होगा। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट ने बगावत की और सीधे सीपी जोशी के पास जा पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने इस्तीफे सौंपे। लेकिन एक बार फिर अब राजेंद्र गुड्डा ने यह साफ कर दिया है कि इन तीनों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और एक्शन इनको बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मैं इनकी जगह होता तो मैं अब तक उनको बर्खास्त कर चुका होता। इस तरीके के बयान एक बार फिर से आना क्या राजनीतिक संकट को एक बार फिर दिखा रहा है। और आपको बता दें कि आने वाले समय में हिमाचल के साथ में ही गुजरात में भी चुनाव है, तो इसके ऊपर भी यहाँ से राजस्थान से बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके का घटनाक्रम होगा उसके बाद में ये तय करना होगा कि क्या आलाकमान सटीक फैसले ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना जा चुका है और ये चुनने के बाद में अब क्या संगठन मजबूत हुआ है, कांग्रेस मजबूत हुई है, और क्या आने वाले समय में जो निर्णय लेने की क्षमता है वो पावर क्या अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होगी। तो राजस्थान के परिदृश्य में राजस्थान में क्या अब निर्णय लिए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। हिमाचल और गुजरात के चुनाव में जाने से पहले ये तय करना होगा कि राजस्थान की स्थिति को सुधारा जा सके, जिससे कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव में ये संदेश मैसेज जा सके कि राजस्थान में जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे चुनने के बाद में जो फैसले लिए हैं उसका प्रभाव गुजरात और हिमाचल में भी पड़ेगा, क्योंकि लगातार राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच में जो काम है उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव गुजरात में पड़ेगा, क्योंकि गुजरात में पिछली बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे तो उनका दबदबा अच्छा था, उनको लोग अच्छा पसंद करते हैं और वहां पर जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं तो वहां पर अपनी छाप छोड़कर आते हैं और लोगों में एक विश्वास जगता है। वही विश्वास जगाने की कोशिश राजस्थान में और राजस्थान के बाद अब जो आने वाले चुनाव हैं हिमाचल और गुजरात के अंदर भी यही दिखाने की कोशिश की जाएगी। तो राजेंद्र गुड्डा ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है, आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स, जयपुर।